डाइव फार्मूला फॉर मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ट्राइंगल के मीडियन के लिए फार्मूला डिराइव करेंगे ट्राइंगल का मीडियन क्या होता है फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्राइंगल है ए बी सी एक ए बी सी ट्राइंगल है तो बी सी लाइन के मीडिय बी सी साइड के मीडियम से मुराद ये है कि पॉइंट ए से गुजरती हुई ऐसी लाइन जो बी सी साइड को टू इक्ल पार्ट में डिवाइड करे तो ऐसी लाइन को मीडियन कहा जाएगा इसी तरह क्योंकि ट्राइंगल की थ्री साइड्स हैं तो इसके मीडियंस भी थ्री ही होते हैं तो हमने इसके मीडियन का फॉर्मूला डिराइव करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारे सामने एक ट्राइंगल है इस ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं ए बी सी ये एक ए बी सी ट्राइंगल है तो ये साइड हो जाएगा बी ये साइड हो जाएगा ए और ये साइड सी के इक्वल हो जाएगा सबसे पहले हम इसका मीडियन ड्रॉ करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल ये इसका मीडियन है इसके बाद इसके ट्राइंगल के इस पार्ट पे हम क्या करेंगे या फिर हम इस ट्राइंगल का बल्कि हाइट ड्रॉ कर लेंगे मीडियन और हाइट दोनों ड्रॉ कर लिया क्योंकि ट्रायंगल का हाइट है तो हाइट हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होता है इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट डी और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट ई e. और सपोज हम कहते हैं ई e और डी के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम एक्स नाम दे देते हैं तो यहाँ पे क्योंकि डी जो है वो लाइन सेगमेंट बी सी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है इसलिए डी से लेके सी का डिस्टेंस जो है इस टोटल डिस्टेंस का हाफ होगा यानी कि ए ओवर टू के इक्वल होगा इसी तरह से B से D का डिस्टेंस भी a ओवर 2k के इक्वल होगा तो यहां पे हम लिख लेते हैं थोड़ा सा इसको रेस कर देंगे और D और E तक का भी जो डिस्टेंस है ये a टू के ही इक्वल होगा तो अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं बी ई लाइन सेगमेंट की लेंथ तो बी ई लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या होगी ए ओवर टू माइनस एक्स करेंगे तो बी ई e की लेंथ आ जाएगी सारे मेजरमेंट्स को लिखने के बाद अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए ई डी जो ट्राइंगल ए ई डी है इसको कंसिडर करते हैं इस तरफ नाइन्टी का एंगल होगा तो इस तरफ भी नाइन्टी का ही एंगल होगा यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी ट्राइंगल ए ई डी में हम इस हाईपोट की यानी कि मीडियन की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं ए डी को हम सपोज करते हैं इसका नाम दे देते हैं एम ए एम यानी मीडियन ऑफ साइड ए तो एम ए इसको नाम दे देते हैं तो इसका मतलब एम ए स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर जो कि एक्स है तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर ए का स्क्वायर तो ट्रायंगल ए ई e, डी में मीडियन की ये वैल्यू है नेक्स्ट हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए ई e, सी ट्रायंगल ए ई e, सी में अगर हम देखें तो जो हाइपोटेन्यूज है वो है बी तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर जो कि बनता है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस विच इज इक्वल टू एक्स प्लस ए ओवर टू x plus a over 2 का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज है a e के इक्वल a e का स्क्वायर सॉरी हाइपोटेन्यूज कह रही हूं परपेंडिकुलर a e के इक्वल है हमें अपने ट्रायंगल में जिनकी वैल्यूज चाहिए वो है मीडियन और बाकी साइड्स यहां पे ए ई जो परपेंडिकुलर साइड हमने ड्रॉ की है इसकी वैल्यू हमें नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ए को रिमूव करेंगे इसके लिए क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में ए ई e की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ए ई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर माइनस एक्स तो यहाँ पे ए e की जगह उस वैल्यू को सब्सिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे सब्सिट्यूट वैल्यू ऑफ ए ई इन ए इसको अगर हम इक्वेशन ए नाम दे दें तो इसमें ए ई की वैल्यू को सब्सिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए ओवर टू होल स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा एम ए स्क्वा माइनस एक्स इसको खोल लेते हैं ये आ जाएगा एक्स स्क्वा प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्र ओवर फोर स्क्वायर प्लस एम ए होल स्क्वा माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायेर और एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो फाइनली बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर फोर प्लस ए एक्स प्लस एम ए होल स्क्वायर इसको इक्वेशन नंबर वन नाम दे दे इसके बाद अगेन हम यहां पे जाते हैं अपने डायग्राम में और यहां से अगर हम देखें तो हमने ए ई सी ट्राइंगल को कंसिडर कर लिया ए ई डी ट्राइंगल को कंसिडर कर लिया अब रहता है ए ई बी ट्राइंगल तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ट्राइंगल ए बी में अगर हम देखें तो ट्राइंगल ए बी ए बी में जो हाईपोर्ट है वो सी है तो सी इक्वल होगा बेस का स्क्वायर जो कि है ए ओवर टू माइनस एक्स का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है ए ई e. तो इन वैल्यूज को यहाँ पे लिख लेते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओवर टू माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वेर e यहां पे अगेन ए e की जगह पे वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा सी स्क्वेर इक्वल टू इसको ओपन भी कर लेते हैं ए स्क्वायर ओवर फोर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और यहां पे ए e की जगह पे क्या आ जाएगा एम ए स्क्वेर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमने क्या किया है ए की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट की और इस स्क्वायर को भी खोल लिया है तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर फोर माइनस ए एक्स प्लस एम ए होल स्क्वायर के अब वैल्यू हमें मीडियन की चाहिए यानी कि एम ए की चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसको इक्वेशन नंबर टू कह देते हैं ये इक्वेशन नंबर टू है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर फोर माइनस ए एक्स प्लस एम ए होल स्क्वायर यहाँ पर हम लिख देंगे एडिंग यानी कि दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू ये हम ऐड क्यों कर रहे हैं पहले हमें ए ई रिमूव करना था तो उसकी वैल्यू रिप्लेस की अब हमने जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है इसमें इसके साइड्स में एक्स कहीं पे भी नहीं है तो इसलिए हमने अब इन फार्मूलास में से x को रिमूव करना है तो यहाँ पे इनको ऐड करेंगे इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्र इज़ इक्वल टू ए स्क्वा ओवर फोर प्लस ए एक्स प्लस एम ए होल स्क्र और नीचे क्या आ जाएगा सी स्क्वेर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर फोर माइनस ए एक्स प्लस एम ए होल स्क्वायर इनको ऐड करेंगे तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे ए एक्स और ए एक्स बाकी ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर फोर ए स्क्वायर ओवर फोर के साथ ऐड हो जाएगा तो ये आएगा ए स्क्वायर ओवर टू और यहाँ पे आ जाएगा प्लस टू एम ए होल स्क्वायर तो यहाँ से हमें एम ए की वैल्यू चाहिए तो इसको हम लिखेंगे टू इन टू एम ए होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर टू को दूसरी तरफ ले जाए तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर टू तो टू को एलसीएम ले लें ये आ जाएगा टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर टू अब यहां से टू को दूसरी तरफ ले जाएं ये आ जाएगा एम ए इक्वल टू टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेर ओवर फोर दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेंगे यहां पे लिखते हैं टेकिंग स्क्वेर रूट स्क्वेर रूट ऑन बोथ साइड जब दोनों साइड पे स्क्वा रूट लेंगे स्क्वायर रूट हम क्यों ले रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ से इस स्क्वायर को खत्म करना है तो ये आ जाएगा एम ए जो कि मीडियन की, की वैल्यू है एम ए इज इक्वल टू टू बी स्क्वेर प्लस टू सी स्क्वेर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वेर रूट और डिनोमिनेटर में आएगा टू क्योंकि फोर का स्क्वायर रूट टू होगा तो डिनोमिनेटर में सिर्फ टू आ जाएगा ये हमारा मीडियन का फार्मूला है तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर मीडियन ये एक मीडियन का फार्मूला है कौन सी साइड का साइड बी सी का इसी तरह से साइड ए बी और ए सी का भी हम मीडियन लिख सकते हैं तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर हम उनका भी मीडियन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं मीडियन ऑफ साइड बी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ए था तो उसके जो अपोजिट दो बाकी दो साइड थे उनका डबल था और फिर माइनस ए था तो मीडियन ऑफ साइड बी होगा टू टाइम्स ए स्क्वेर प्लस टू टाइम्स सी स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर इसका स्क्वेयर रूट और डिनोमिनेटर में आएगा टू इसी तरह से मीडियन ऑफ साइड सी इक्वल होगा टू टाइम्स ए स्क्वेयर प्लस टू टाइम्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर टू तो ये तीनों मीडियंस का फॉर्मूला आ गया इस तरह से हम मीडियन का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं आज की वीडियो में हमने सीखा डिराइव फार्मूला फॉर मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल के बारे में